हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल के सोशल स्टडीज। टुडे माय टॉपिक इज बैटल ऑफ बक्सर। इट वाज फाउटेड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रिपल अलायंस ऑफ आर्मी ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शिजाउद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम टू। एक्चुअली एट दैट टाइम शाह आलम जो है अवध के नवाब के पास ही रहते थे, ठीक है, और वह खुद मुगल के गद्दी में बैठने के लिए फिर से अवध के नवाब शिजाउद्दौला का संरक्षण पाना चाह रहे थे। सो बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द बैटल ऑफ बक्सर, एक शायरी है जो करप्ट अफसरों और नेताओं को डिनोट करने के लिए लिखी गई है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। बर्बाद गुलिस्ता करने को, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। गद्दार, फरीब और धोखेबाजों से भरी हुई हमारी उस वक्त की इंडिया, अब इसका अंजाम क्या होगा। 300 ईयर्स के अप्रोक्स हम सब गुलाम रहेंगे ब्रिटिशों का। आइए बच्चों, हम जाने बैटल ऑफ बक्सर। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन बैटल ऑफ बक्सर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, प्लासी इज ए प्लेस सिचुएटेड बिटवीन मुर्शिदाबाद एंड कोलकाता, एंड एट दैट प्लेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट प्लास फाउंडेड, एंड वी यूज प्लास फ्लावर फॉर मेकिंग कलर, एंड दैट पर्टिकुलर कलर यूज इन होली फेस्टिवल एंड ऑल्सो डाइंग क्लोथ। क्लोथ को डाइंग करने में, उसे रंगने में यूज होता था। ये बड़ा ही चटकदार कलर का फ्लावर होता है। झारखंड स्टेट का स्टेट फ्लावर प्लासी है। प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए। सो एक युद्ध होती है 1757 में शिजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जो बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में हम लोग पहले के वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद? शिजाउद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। मीर जाफर वाज मेड द नवाब। ओके, मीर जाफर नवाब बनते हैं, एंड मीर जाफर द न्यू पपेट इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ही गिफ्टेड अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड 24 परगनास ऑफ बंगाल टू ब्रिटिशर्स फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। उसने जो तीन गांवों से स्टार्ट हुई कंपनी, तीन गांवों को मिलाकर के कोलकाता बनाई थी उसने, कालीकाता, उसको बाद में कोलकाता, कलकत्ता, बाद में इसे आज के समय में कोलकाता के नाम से जानते हैं। ये तीन गांवों को मिलाकर एक शहर उसने, एक फोर्टिफिकेशन किया था, एक छोटा सा उसने फैक्ट्री लगाई थी। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसे 24 परगनास, एक डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा है, उसमें उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला। अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर खुद ही कंपनी क्यों नहीं बन बैठी,
डियर स्टूडेंट, इसके पीछे बहुत रीजन है। सबसे फर्स्ट और जेन्युइन रीजन है, कंपनी वाज इंटरेस्टेड इन ट्रेड्स। कंपनी क्या थी? ट्रेड में इंटरेस्टेड थी, ओके, नॉट इन टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्रशासन की जिम्मेदारियों को लेना नहीं चाहती थी कंपनी। ट्रेड करना है, व्यापारी थी, वो ट्रेड करेगी और प्रॉफिट बुक करेगी। व्यापारियों की ही मानसा होती है, सामान बेचें, खरीदें और प्रॉफिट बुक करें। मीर जाफर फेल्ड। जब मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल बन गए तो इन्होंने 3 साल में कंपनी को, लगभग जैसे ही नवाब ऑफ बंगाल बने थे, वो तुरंत 20 लाख रुपीस रॉबर्ट क्लाइव को एज ए गिफ्ट दिया था, लार्ज सम ऑफ मनी। और वहां वाटसन एक कमांडर इन चीफ कमांडर था, उसको 10 लाख रुपीस। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में खुद जब क्लाइव पर एलिगेशन लगा लंदन के कोर्ट पर, जब वो वापस लंदन गया तो उसे कोर्ट में एलिगेशन लगा था, तो उसने कहा था कि डिफरेंट जो उसके नौकरशाह हैं, 3 वर्षों के दरमियान मीर जाफर और बंगाल की व्यापारियों से 3 करोड़ रुपीस का उगाही किया था, ठीक है, कि उसके जितने भी कंपनी ऑफिशियल्स हैं और उसने खुद। कुछ दिन बाद आत्मग्लानी से क्लाइव अपने को सुसाइड कर लेता है लंदन में। तो बुरे लोगों का बुरा नतीजा। खैर, आइए बैटल ऑफ बक्सर जानने के पहले मैं एक शायरी आप लोगों को सुनाना पसंद करूंगा, जो करप्ट नेताओं और ऑफिसरों पर बनी हुई है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जब हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आइए हम सब बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये जो बंगाल, बिहार और झारखंड का जो प्रोविंस है, 300 सालों तक लगभग गुलाम रहा। कंपनी वास मीर जाफर फेल टू मीट द कंपनीज हैवी मॉनेटरी डिमांड्स। और इसके बावजूद भी लगातार मीर जाफर से कंपनी के ऑफिसर्स, खुद क्लाइव, पैसे की डिमांड करते रहते थे और इसको वो पूरा करने में असमर्थ था। सो इन 1760 द कंपनी डिपोस्ट मीर जाफर एंड मेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब उसको हटा करके मीर कासिम उसके दामाद को बंगाल बना, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया कि आपके ससुर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, चलो आप बन जाओ। अब मीर कासिम एक और उल्लू, जिसने उस वक्त 29 लाख रुपीस क्लाइव को गिफ्ट किया था पैसा गद्दी में बैठने के लिए, और वह बैठा। लेकिन सॉरी 26 लाख रुपीस एंड द जमींदारी ऑफ बर्दवान मिदनापुर, की ये जमींदारी भी उसने कंपनी के को दी। तो जो पहले से 24 परगनाज था, उसके साथ साथ ये और डिस्ट्रिक्ट मिल गई, बर्दवान, मिदनापुर, चित्तौड़गढ़, ये सब जगह उसको कंपनी को मिल गई जमींदारी, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू बी ए पपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। कुछ ही समय के बाद मीर कासिम को एहसास हो गया कि कंपनी का पपेट नहीं बनना है, ठीक है। द न्यू
नवाब बिकम अनपॉपुलर विद द ब्रिटिश, ब्रिटिशों ने ही उसे गद्दी पर बैठाई थी और ब्रिटिश की आंखों में वो खटकने लगे। क्यों भाई? तो मीर जाफर ने कुछ अच्छे वर्क किए थे, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ बंगाल, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की थी ताकि लोग अच्छे से खेती बाड़ी करें और रेवन्यू ज़्यादा जनरेट हो, अटेम्प्ट टू चेक द मिस यूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज ऑफ द ब्रिटिश, फिर उसने कोशिश की कि आप मिस यूज ना करो ट्रेड का, आपको कंपनी को ट्रेड करने दिया गया, पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति जब ट्रेड करेंगे तो उसका टैक्स पेड कीजिए। तो ही ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटी टू द, जब देखा कि कंपनी कंट्रोल में नहीं आ रही है तो उसने इंडियन मर्चेंट को भी टैक्स फ्री कर दिया, इससे कंपनी ज़्यादा इन्वाइट हो गई, क्योंकि इंडियन लोग भी अब टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उसके भी सामान सस्ते हो रहे हैं, सब सामान वो भी सस्ते रेट पर बेच पा रहा है, खरीद पा रहा है और कंपनी का बराबरी कर रहा है। ये बात कंपनी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अब एक सिचुएशन बन रहा है, प्लॉट बन रहा है युद्ध का। सो द कंपनी डिक्लेयर पार अगेंस्ट मीर कासिम एंड डिफीटेड हिम इन 1763। इस बीच में कंपनी को काफी पैसे की जो आमदनी हुई थी उससे बहुत बड़ी सेना उसने बना ली थी और उस सेना का यूज वह साउथ इंडिया में कर्नाटक के थर्ड बैटल में भी कर रही थी। उधर भी जो बंगाल से उसे पैसा मिला उसी पैसे के दम पर उसने थर्ड कर्नाटिक वार जीता है साउथ में, ठीक है, और इसने एक अच्छी आर्मी बना ली थी। नतीजा मीर कासिम युद्ध में 1763 को हार जाता है। मीर जाफर वाज रिस्टोर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल, फिर से उसे नवाब ऑफ बंगाल 1763 में बना दिया जाता है। लेकिन मीर कासिम थोड़े से योग्य व्यक्ति थे, इसने क्या किया कि जस्ट मीर कासिम इंटर्ड इनटू द अलायंस विद नवाब शिजादुद्दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर शाह आलम टू हु वाज देन लिविंग इन अवध, जो उस वक्त अवध में ही रह रहे थे, उनके साथ इसने एक ट्रिपल अलायंस बनाई और इस अलायंस का वो काम था कि बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण करना। तो अवध की सेना आने लगी और इधर से कंपनी जो है अपनी सेना लेकर के बक्सर के ग्राउंड में, बक्सर एक डिस्ट्रिक्ट है अभी के समय में आप बिहार में है, बिहार स्टेट में है, और वहां पर ये दोनों कंपनी का सोन नदी भी है वहां से क्रॉस होती है, लड़ाई छिड़ती है। अब बैटल ऑफ बक्सर 1764 अक्टूबर मंथ में होती है और इसमें क्या होता है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है, दूसरी तरफ इसमें इसका लीडर लीड बाय मेजर हेक्टर मुनरो है, मीर कासिम है, शाह आलम टू, शुजादुद्दौला, इसके कंबाइंड फोर्स है। ऐसे तो इसके फोर्स शाह आलम के टोटल मिलाकर के इन लोगों के फोर्स 1.5 लाख के आसपास है, बट लड़ने वाली सेना सिर्फ 40,000 है और हेक्टर मुनरो की सेना बहुत प्रशिक्षित डिसिप्लिन है। एक ट्रू बैटल होती है, इस बैटल में शुजादुद्दौला की सेना हार जाती है और इन लोगों के अपने अपने जो है कुछ इशू हो जाते हैं लड़ाई के समय में। मीर कासिम से शुजादुद्दौला कहता है कि तुमने कहा था कि 11 लाख रुपया पर डे वार का एक्सपेंस दोगे, पैसा दो, तो मीर कासिम के पास तो कुछ है नहीं, तो वो कुछ दे नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत जो सम ऑफ मनी था उसने दिया। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बैटल जैसे ही 12 बजे ये 8 बजे स्टार्ट होती है और 2 बजे तक खत्म हो जाती है। आप सोचिए, मतलब एक दिन भी ये बैटल नहीं चला और इस बैटल में शाह आलम, शुजादुद्दौला, मीर कासिम डिफीट हो जाते हैं। मीर कासिम वहां से देन एंड देयर दिल्ली की तरफ भाग जाता है और अंतिम जीवन या बड़ी कठिनाइयों से गुजारता है दिल्ली में, ठीक है। शाह आलम को ट्रीटी ऑफ जो है एक अलाहाबाद ट्रीटी करना पड़ता है जिसके तहत कुछ एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे। दिस फोर्स कंबाइंड फोर्स वी आर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स, सम ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, इसके कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, मेजर ऑफ
बक्सर के द मुगल एम्पायर ग्रांड दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल बिहार उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कंपनी जो है वहां एक जागीरदार बन जाती है रेवेन्यू कलेक्ट करने। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट से बढ़कर पहले तीन गांव से फिर चार डिस्ट्रिक्ट में का रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अब तीन जो अभी के स्टेट्स हैं उन तीनों स्टेट्स में वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, ठीक है। और इसके बाद द नवाब ऑफ अवध हैड टू पे, इन्हें जो है पे करना पड़ता है 50 लाख रुपीज। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब रॉबर्ट क्लाइव ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज ड्यूअल गवर्नमेंट हम थोड़ी ही देर में समझाते हैं। बिफोर दैट द बैटल ऑफ बक्सर वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडिया गिवन आर्गूमेंट टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप वीडियोज को देखिए, इसमें बहुत सारे नोट्स हैं बने हुए हैं। इस नोट की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब ड्यूअल गवर्नमेंट राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगेन ए ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। द नवाब लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी कलेक्ट द आर्मी judiciary control the army judiciary and revenue collection of bengal। ek taraf administration ka kaam kaun dekhega, nawab dekhega, aur company jo hai army par control army ka hoga, judiciary company ke paas aur revenue collection company ke paas hogi। to jo resources hain bengal ke us par kabza company ka aur jo responsibility hai us par wo company नवाब के हाथ में। अब ये दोहरी जो व्यवस्था है, द्वैत शासन जो है बंगाल में, यह बहुत कष्टदायक होगी आगे आने वाले समय में बंगाल में। कुछ ही समय के बाद बंगाल में एक फैमिली आती है। बंगाल सफर्ड अंडर दिस सिस्टम अलॉट, थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड इन द बंगाल फैमिली 1770 ईस्वी में एक अकाल पड़ती है, उसमें हजारों लोग बंगाल के मारे जाते हैं और उन्हें कोई सहायता स्टेट की तरफ से नहीं मिलती है। द कंपनी डिड नॉट हेल्प द विक्टिम्स, द नवाब डिड नॉट हैव द रिसोर्सेस। नवाब के पास रिसोर्सेस धन ही नहीं है और कंपनी जिसके पास धन है वो लोगों से मतलब नहीं रखती है, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। सो व्हाट इज मीन्ट बाय ड्यूअल गवर्नमेंट, हाउ डिड लेड टू पब्लिक सफरिंग। आप इस क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश करें। एंड दिस इज ऑल टोटल अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।